हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू की दुनिया व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप मेरे जो डेली व्लॉग्स हैं वो मिस कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी मैं गई थी ट्रिप पर मुक्तेश्वर, और इन बीच ऑफिस का काम भी बहुत ही ज़्यादा था जिस वजह से मैं डेली व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। बट आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद से डेली व्लॉग्स आएंगे। और आज जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये है मेरा सैटरडे का व्लॉग। और अभी सुबह के हो रहे हैं 7:30। वैसे तो मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है और सैटरडे को मैं थोड़ा लेट ही सोकर उठती हूँ, बट आज मैं जल्दी सोकर उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम। तो फिलहाल अभी मैं सबसे पहले कर रही हूँ अपने बेडरूम की क्लीनिंग। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और विंटर्स में ऐसा मन करता है कि हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहें, मतलब मेरा तो बहुत ही ज़्यादा करता है। थोड़ी थोड़ी देर में मुझे भूख लग आती है तो मैं कुछ ना कुछ मैं खाती रहती हूँ। और स्पेशली जब आप घर से ही काम कर रहे हों, ऑफिस आपको ना जाना हो, तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सारा दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो फिलहाल अभी मैंने एप्पल कट कर लिया है और अभी मैं इंजॉय करूँगी एक खट्टा मीठा सा एप्पल। विंटर में एप्पल काफ़ी अच्छे आते हैं, मुझे स्पेशली विंटर में एप्पल खाना काफ़ी पसंद है। तो आज सुबह जल्दी उठने का एक और रीज़न था क्योंकि ये जो स्पैरो है, गौरैया चिड़िया, जो कि हमारी घरेलू चिड़िया मानी जाती है और ये काफ़ी टाइम से हमारे घरों में आती हैं और हमसे काफ़ी फैमिलियर हो जाती हैं, तो ये रोज़ सुबह सुबह आ जाती हैं। तो रोज़ सुबह मैं इनको राइस दे देती हूँ खाने के लिए, और आज भी इनकी वही टाइमिंग थी। इनकी जो टाइमिंग है वो फिक्स है। आई डोंट नो कि इनको टाइम कैसे पता चल जाता है कि सुबह ये 7 बजे आती हैं, फिर 9 बजे, फिर ये आती हैं 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, एंड देन उसके बाद 5 बजे। तो जो 5 बजता है वो इनका लास्ट मील होता है। 5 बजे के बाद फिर ये नहीं आती हैं, और ये मेरी बालकनी में झुंड का झुंड आती हैं। पहले मैंने थोड़े से चावल वगैरह रखने स्टार्ट किए थे कबूतर के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आना शुरू हुई और अब ये रोज़ मेरी बालकनी में आती हैं। और इनको वाइट मिलेट्स काफ़ी पसंद हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हो गया या राइस हो गया। तो मैं इनको राइस ही देती हूँ क्योंकि राइस तो हमारे घर पर ईजिली अवेलेबल होते हैं। और ये देखिए कितने चाव से खा रही हैं। तो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि ये जो चिड़िया है ये विलुप्त हो रही है, और दिल्ली में तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती हैं, बट गुड़गांव में ये काफ़ी सारी हैं। तो इनको यहाँ पर देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एटलीस्ट अभी ये हैं, ये विलुप्त नहीं हो रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि इनके जो नंबर्स हैं वो डे बाई डे और बढ़ें। तो जब तक बर्ड्स अपना खाना खा रही हैं, मैं भी जा रही हूँ बनाने अपना ब्रेकफास्ट। तो मैंने ले लिया है करी लीव्स, और फ्रेश करी लीव्स मैंने तोड़े हैं, और आज मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ पोहा। तो पोहा सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने हैं ओट्स। तो पोहा मैंने इतना सा लिया है अपने लिए, और इसको मैं 2 बार पानी से अच्छे से वॉश करके सारा पानी निकाल के साइड में रख दूंगी। और जब तक पोहा अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, तब तक कर लेते हैं चॉपिंग। तो पोहे में जो मैं चीज़ें डालने वाली हूँ वो है पीनट्स, जो भी रोस्टेड पीनट्स हैं वो डालेंगे, साथ में है हरी मिर्च, प्याज, और इसके साथ ही मैं डालूंगी हरा मटर। आजकल हरे मटर आ रहे हैं तो खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप उसका कोई भी डिश बनाएं, क्योंकि जो हरी मटर होती है इसका टेस्ट ही अलग होता है, फ्रोज़न वाले में वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो करी लीव्स मैंने ले लिए हैं, हरे मटर ले लिए हैं, और अभी पैन में डालेंगे ऑयल, इसके साथ इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, और जो भी वेजिटेबल्स हमने चॉप करी हैं वो हम डालते जाएंगे। अभी मैंने प्याज डाला है, हल्का सा कर लेंगे इसको गोल्डन ब्राउन। अगर आपके पास में गाजर है तो आप गाजर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। विंटर्स में आप मैक्रोनी बनाएं या पोहा बनाएं, इन सब चीज़ों में गाजर खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो मेरे पास में जो भी सब्जियां थी उससे मैंने अपना ये पोहा बना लिया है। इस तरीके से बना के भी खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहें तो उसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, जो आलू होता है उसको भी बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के भी आप पोहा बना सकते हैं। जो मेरी मॉम है वो इसी तरीके से बनाती हैं, उसमें आलू भी, टमाटर भी, और साथ में गाजर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ डाल के बनाती हैं, वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। बट आप ये भी ट्राई करें, काफ़ी सिंपल है, ईजी है, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो अभी पोहा बन चुका है, देखिए कितना खिला खिला पोहा बना है। तो अभी मैं एंजॉय करूंगी अपना ये डिलीशियस ब्रेकफास्ट। तो मुझे ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है, और स्पेशली जब मैं इतना सारा फॉग देख लूँ चारों तरफ तो मुझे और भी ज़्यादा ठंड लगने लगती है इसको देख के। और अभी 3 से 4 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम दिन में चाहे जितनी भी ठंड हो जाए,
एक से दो घंटे की धूप तो आनी चाहिए क्योंकि उससे कपड़े वगैरह भी सूख जाते हैं और थोड़ा सा अच्छा लगता है। इतना सारा फॉग और धूप ना निकले तो बड़ी नेगेटिविटी सी फील होती है। तो फिलहाल अभी वेदर जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में और अभी क्लीनिंग करेंगे लिविंग रूम की। तो सर्दियों में मेरा जो लिविंग रूम है वो काफ़ी मैसी हो जाता है क्योंकि ब्लैंकेट्स वगैरह लेके हम यहीं पर ही बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो सारी चीज़ें जो भी होती हैं रात को एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं। सुबह उठकर ही मैं क्लीनिंग करती हूँ अपने पूरे घर की। तो अभी बेडरूम की क्लीनिंग हो चुकी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अमेजिंग सा हेयर मास्क। और इसको मैं फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने जा रही हूँ बट आई एम श्योर कि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हेयर मास्क बनाना। इसके लिए मैंने लिया है एक बीटरूट यानी कि चुकंदर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं। तो ग्रेट करने के बाद मैंने इसका निकाला है जूस जो कि हाफ बोल के करीब निकला है। और ये है हिना, तो मैं यहाँ पर नेहा मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नेहा या नुपुर में से या फिर कोई और भी जो भी आप यूज़ करना चाहें, जो भी आप लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो हिना के मैंने काफ़ी डिफरेंट हेयर मास्क मैंने ट्राई किए हैं जिन पर मैंने वीडियो भी बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप डिटेल वीडियो आप चेक कर सकते हैं। और ये बीटरूट और हिना वाला मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आई एम श्योर कि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे क्योंकि जो बीटरूट है वो नेचुरल डाई है और इसके साथ में हमारी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और इससे कलर भी हमारे बालों में काफ़ी अच्छा आएगा। जो बारगंडी कलर होता है कुछ उस तरीके के हेयर आपके हो जाएंगे। तो ये एक बार में ही ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम के साथ जब आप धीरे 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 लगाते रहेंगे देन आपके बालों का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी हिना मैंने लगा लिया है और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ लंच अपने हस्बैंड का फेवरेट जो कि है सांबर एंड डोसा। तो अभी मैं आलू रख रही हूँ बॉयल होने के लिए क्योंकि जब तक आलू बॉयल होंगे तब तक इन द मीनवाइल हम कर लेंगे दूसरे काम। तो अभी तैयारी कर रही हूँ डोसे की। ये है उड़द दाल जो कि मैंने रात को ही सोक कर दी थी। साथ में है राइस और राइस में मैंने डाला था इसमें चना दाल, तूर दाल और थोड़े से मेथी के दाने। तो अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड। इससे ये सारी चीज़ें डालने से हमारे डोसे में कलर काफ़ी अच्छा आता है और डोसे का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। तो अभी पेस्ट बना के मैंने बोल में निकाल दिया है, थोड़ा सा डाला है पानी, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट और इसको मिक्स करके हम रख देंगे। तो लंच के लिए अभी 3 से 4 घंटे का टाइम है, तब तक ये बैटर जो है ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अभी तैयारी कर लेते हैं सांभर की और इसके लिए मैं चॉप कर रही हूँ सबसे पहले अनियन। जब से मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर परचेस किया है तब से मेरे किचन के काम चुटकी बजाते हो जाते हैं। चॉपिंग तो इतनी फटाफट हो जाती है, जस्ट आपको एक बटन प्रेस करना और आपको वेजिटेबल्स जैसी भी चॉप करनी है वैसी आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए जो मुझे प्याज चाहिए थे वो मुझे फाइन चॉप चाहिए थे और ये बिल्कुल फाइन चॉप हो चुके हैं। और अब इसी तरीके से हम टमाटर भी चॉप कर लेंगे। सबसे ज़्यादा ये काम आता है मंचूरियन में क्योंकि जो मंचूरियन में है उसमें वेजिटेबल्स काफ़ी सारी पड़ती हैं और काफ़ी सारी चॉपिंग भी होती है और उसमें चॉपिंग फटाफट हो जाती है। तो अभी हम तैयारी करते हैं मसाले डोसे की। तो उसके अंदर की जो फिलिंग है वो मैं बना रही हूँ। मैंने डाला है ऑयल, साथ में डाले हैं मस्टर्ड सीड्स और इसके साथ ही डाला है एक मीडियम साइज़ का लंबा कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा सॉटे करना है, हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले जिसमें है 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर और करी लीव्स। अब सारे मसालों को हम कुक कर लेंगे और साथ में इसमें ऐड कर देंगे बॉयल और मैश करे हुए पोटैटो। मसालों में इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो अभी जो डोसे की फिलिंग है वो हो गई है हमारी बनके तैयार। साइड बाय साइड मैंने सांभर भी बना लिया है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ बट जिन लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से सांभर बनाती हूँ। इसको खट्टा करने के लिए मैंने डाला है इमली का पानी। तो अभी सांभर हो चुका है बनके रेडी और अभी मैंने शार वगैरह भी ले लिया है, घर के काम भी हो चुके हैं और टाइम हो गया था लंच का। अभी टाइम हो रहा था 1 बज रहे थे। तो अभी हम बनाते हैं डोसे।
ये जो मेरा पैन है इसकी कोटिंग निकल चुकी है, अभी ये टोटली ख़राब हो चुका है, बट अभी इसमें काम चल जाता है। आपको डोसे बनाने हैं, चिले बनाने हैं, तो चीज़ें अभी भी इसमें बन जाती हैं, बट अभी 1 से 2 दिन में मैं जाऊँगी शॉपिंग के लिए, देन मैं न्यू पैन लेके आऊँगी। तो अगर आप लोगों के नॉलेज में है कि मैं किस ब्रांड का पैन लूँ, कौन सा अच्छा होता है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी लंच हो चुका है रेडी, सांभर और डोसा दोनों चीज़ें बन चुकी हैं, तो अभी हम इंजॉय करेंगे डिलीशियस लंच। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो भी चैनल पे न्यू हैं अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आप देख सकते हैं डोसा कितना अच्छा बना है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है और उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी है। तो फिर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप भी अपना ध्यान रखें, पेड़ पौधे ज़रूर से ज़रूर लगाएं। Stay safe, stay healthy. Bye.